नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने जा रहे हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में किस तरह से जो है पारा गिर चुका है नए साल के साथ। पहला दिन तो फिर भी ठीक था क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, हालांकि ठंड पहले दिन भी साल के बरकरार थी, लेकिन दूसरे दिन जो है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई है। और तकरीबन कहीं पर 8:30 बजे, कहीं पर 9:45 बजे करीब, इसके अलावा कई जगहों पर सुबह सुबह यानी तड़के ही बारिश होने लगी। और इसमें मैं सिर्फ दिल्ली का इलाका नहीं देख रहा हूं, बल्कि आप नोएडा देखिए, हरियाणा का इलाका देखिए, कई जगहों से खबरें जो हमारे पास आई है उसमें उत्तर प्रदेश के इलाकों का भी, कई इलाकों का जिक्र है, पंजाब के इलाकों का भी जिक्र है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि IMD जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो लगातार इस तरह की जानकारियां दे रहा है कि आने वाले समय में, यानी अब ये जो एक हफ्ता शुरू होने जा रहा है, यहां पर जो है वो ठंड निश्चित तौर पर उत्तर भारत में और ज्यादा बढ़ेगी। यानी वो जो जगह है जो पर्वतीय इलाके हैं उनमें निश्चित तौर पर आपको बर्फबारी अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। चाहे आप जम्मू कश्मीर का अधिकतर हिस्सा ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, यहां पर आपको बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ बाकी मैदानी इलाकों में जिसमें दिल्ली का हिस्सा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो है, और साथ साथ राजस्थान को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, वहाँ पर जो है वो बारिश की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कई जगह दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही जो है वो मौसम बारिश शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ अब आने वाले जो इलाके हैं जहाँ पे इस बारिश का असर देखने को मिलेगा वो है रेवाड़ी, भिवंडी, मानेसर, गुरुग्राम, यानी आप ये देख रहे हैं पूरे हरियाणा के इलाके। इसके अलावा मथुरा, हाथरस, भरतपुर, इसके अलावा जींद, पानीपत, करनाल, शामली, कैथल, नरवाना, अलग अलग जगह हैं जहां पर ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैदानी इलाकों में साल की शुरुआत में ही जो सर्दी का कहर है वो आपको देखने को मिलेगा। और वेदर अपडेट को लेकर ये फिलहाल नए साल का सबसे पहला वीडियो है हमारी तरफ से। तो निश्चित तौर पर ये है सारा का सारा अपडेट जिसको लेकर के हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और बर्फबारी की संभावना है पर्वतीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में जो है वो ठंड बढ़ जाएगी क्योंकि बारिश लगातार अब आप 2 से 3 दिन में देखेंगे कि उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।